Hello everyone, I am Vijay Kumar Singh. Welcome to my first lecture of computer. Let's start. Introduction of computer. Computer is derived from Latin words computus, which means to calculate. Computer Latin words compute से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट क्योंकि अर्ली डेज में ही कंप्यूटर का यूज़ सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम लोग करते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया इस वजह से कंप्यूटर धीरे डेवलप होते गया और कंप्यूटर आज इस रूप में डेवलप हो चुका है कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम लोग एक दूसरे से इस कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं जिस वजह से आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कंप्यूटर कहेंगे। द कंप्यूटर इज़ ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज़ ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट्स टेक्स सम इनपुट्स प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड द गिव सम मीनिंगफुल फॉर्म दैट इज आउटपुट्स। यानी कंप्यूटर हम लोग किसे बोलेंगे, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र के द्वारा क्या करे, इनपुट ले, उसके बाद उसे क्या करे, प्रोसेस करे अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। जो यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसे क्या करे, वो प्रोसेस करे, उसके बाद वो रिजल्ट के रूप में आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू में थ्रू वो मीनिंगफुल फॉर्म के रूप में वो क्या करे, प्रोड्यूस करे, जिससे यूज़र उसे यूज़ कर पाए। वे सारे डिवाइसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। यानी शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं वो कंप्यूटर हम लोग वैसा प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो आईपीओ के साइकिल को फॉलो करे, आईपीओ यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट के साइकिल को फॉलो करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। तो कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर आप लोग जानते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ सारे लोग जानते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज को बोला जाता है। लेकिन चार्ल्स बैबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है, अभी हम लोगों ने जाना कि फादर ऑफ, क्योंकि कंप्यूटर को डेवलप करने में बहुत सारे लोगों का योगदान था, एक नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था, अलग अलग डिवाइस को इन्वेंट किया था और सारे डिवाइसेस को इसमें यूज़ किया गया था। लेकिन चार्ल्स बैबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था। इससे पहले कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी इन्वेंटर प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे, इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जिस वजह से आज कंप्यूटर इस रूप में उपयोग हो रहा है। लेकिन ये तो दो इंजन का आविष्कार किए थे, लेकिन कौन कौन सा इंजन आविष्कार किए थे और कब कब आविष्कार किए थे। पहला इंजन इन्होंने आविष्कार किया था डिफेंस इंजन 1822 में, डिफेंस इंजन 1822 में, लेकिन वो उतना तो कामयाब नहीं रहा। लेकिन जब 1837 में इन्होंने उसमें उसी इंजन में थोड़ा बदलाव किया, इसमें इसमें क्या किया, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया, इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1837 में किया था, एनालिटिकल इंजन 1837 और डिफेंस इंजन 1822 में। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। कहीं कहीं ट्रेड के जगह पे आप लोग देखिएगा टेक्नोलॉजी भी दिया रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल्स। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर आप लोग को इनपुट प्रोसेस आउटपुट का साइकिल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक कुकर आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हम लोग राइस क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं, राइस को पकाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल वाटर और राइस, वाटर राइस को क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम लोग इसमें प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते ही इलेक्ट्रिक राइस कुकर का जो प्रोसेसर होता है वो ऑन हो जाता है। जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम इसको सेलेक्ट किया था उसके स्टेप के अनुसार से जो प्रोग्रामिंग किया गया है उसको फॉलो करते हुए इसमें प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें क्या होता है, आउटपुट प्राप्त होता है कुकेड राइस के रूप में।
तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा इनपुट क्या क्या होगा, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक केटल में क्या क्या इनपुट किया। हम सबसे पहले इसमें क्या किया, वाटर राइस, और उसके बाद हम लोगों ने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया था जो प्रोग्राम के रूप में हम लोगों ने सेलेक्ट किया। ये सारे क्या हो गया, इनपुट हो गया। यानी यूज़र के द्वारा जो भी कंप्यूटर में या कंप्यूटर डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन दिया जाता है या इनपुट किया जाता है, वो सारे हमारे क्या हो गया, इनपुट हो गया। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस जिसके थ्रू इसको प्रोसेस किया जाता है, वो हमारे क्या हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू हमें क्या हुआ, रिजल्ट हमें प्रोड्यूस हो, जो भी रिजल्ट वो हमारा जिससे हम देख पाएँ, वो सारे हमारे क्या हुए, आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आउटपुट आउटपुट के रूप में हमारा क्या हो रहा है, राइस प्राप्त हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी एंड मेमोरी। इसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे डिटेल में। स्पीड में देखेंगे, आप लोग जानते हैं कंप्यूटर का स्पीड क्या होता है, वेरी हाई स्पीड होता है। ए कंप्यूटर इज़ वेरी हाई स्पीड, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन मेगा हर्ट्स। कंप्यूटर का स्पीड क्या कर रहे हैं, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यानी 1 मेगा हर्ट्स यानी MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। यानी 1 सेकेंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कर सकता है, एक्सिक्यूट कर सकता है। 1 गीगाहर्ट्ज़ में क्या होता है, बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, एक्सिक्यूट कर सकता है। लेकिन ये दूसरा चीज, हर एक कंप्यूटर का जो स्पीड होता है अलग अलग होता है। जैसे सुपर कंप्यूटर का स्पीड अलग होगा, माइक्रो कंप्यूटर का स्पीड अलग होगा, मिनी कंप्यूटर का स्पीड अलग होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का स्पीड अलग होगा, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रोसेसर लगे रहते हैं, अलग अलग मेमोरी लगी रहती हैं। तो इस वजह से सारे का स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है एक्यूरेसी। इस कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है 100% एक्यूरेट होता है। यानी फास्ट के अलावा, इसका स्पीड तो फास्ट होता ही है, साथ साथ इसका जो रिजल्ट होता है 100% एक्यूरेट होता है। अगर किसी तरह का आपके रिजल्ट में बग आ रहा है, किसी तरह का एरर आ रहा है, तो हो सकता है आपने इनपुट करते समय कुछ गलत इनपुट किया होगा, या किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट होगा, या हार्डवेयर में फॉल्ट होता है तभी एरर आता है। ऐसे रिजल्ट इसका 100% एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है रिलायबिलिटी। ए कंप्यूटर इज रिलायबल मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक रिलायबल मशीन है जिस पे आप क्या कर सकते हैं, इसके वर्क पे रिलायबल कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड वर्क देंगे, ये उसको परफॉर्म करके कंप्लीट करके आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन द मॉडर्न कंप्यूटर हैज़ द वेरी लो फेलियर रेट्स। जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर यानी इस समय के जो कंप्यूटर आ रहे हैं, इसके जो कंपोनेंट आते हैं, उसका बहुत ही कम फेलियर रेट होता है, बहुत ही कम खराब होते हैं। ऐसा नहीं है कि नया आप कंप्यूटर लाए और उसके बाद वो क्या हो गया, आज ही खराब हो गया। यानी बहुत कम होता है, ऐसा रेयर होता है। इस वजह से इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलायबल कर विश्वास कर सकते हैं। द मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम, प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। यानी मॉडर्न जो कंप्यूटर है, यानी आज के हमारे जो कंप्यूटर हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम को प्रोड्यूस किया है, किसी बिना प्रॉब्लम के, और कंसिस्टेंट मैनर में। अगर सेम ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क आप बार बार कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो रिजल्ट भी बिल्कुल आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ह्यूमन को अगर हम कॉम्प्लिकेटेड कोई वर्क दे देते हैं, और वही सेम वर्क अगर बोलते हैं कि नहीं आप ठीक इसी को 50 बार 100 टाइम्स वर्क करिए, तो ह्यूमन क्या हो जाता है, उसका एक्यूरेसी हो सकता है, हर एक बार उसका रिजल्ट क्या होगा, डिफर होगा।
लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। इसी फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। नेक्स्ट में है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी आप लोग जानते हैं कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी वेरी हाई होता है, ये बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है। एक कंप्यूटर हैज़ ए लार्ज मेमोरी, इसके पास कंप्यूटर के पास बहुत ही लार्ज मेमोरी होता है। इट इज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट इज़ टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी। मेमोरी मेमोरी के पास लार्ज मेमोरी होता है, इसके साथ साथ वो लार्ज मेमोरी हो गया था, बहुत लार्ज डेटा को भी इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ डेटा एंड रिट्राइव देम व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड, जब भी आपको ज़रूरत हो इसे आप क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर में एक बार कोई भी अगर डेटा अगर वर्क आपने सेव करके रख दिया, जब चाहें, जब तक आप कंप्यूटर से आप डिलीट नहीं करते हैं या किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं आता आपके कंप्यूटर में, आपके डेटा सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी। वर्सेटाइल मीन्स फ्लैक्सीबल, यानी ये जो इसका फीचर है फ्लैक्सीबल, अपने कार्य के प्रति क्या है, वर्क के प्रति फ्लैक्सीबल होता है। ऐसा नहीं है कि रिजिड है, ये कि हम कंप्यूटर हर एक काम के लिए अलग अलग कंप्यूटर होंगे, नहीं, बहुत सारे ये सेम ही कंप्यूटर से हम लोग बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। वेरियस टास्क कैन बी परफॉर्म ऑन द कंप्यूटर, बहुत सारे टास्क को हम लोग अपने कंप्यूटर पर परफॉर्म करते हैं। कभी एक समय हम लोग गेम खेलते रहते हैं, नेक्स्ट मोमेंट हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक प्ले करने लगते हैं कभी, लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या डांस करते करते आपको बोला जाए कि नहीं आप गाना गाइए, या डांस करते करते आप रोने लगे, या डांस करते करते आप दौड़ने लगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कंप्यूटर सारे टास्क को क्या करता है, अगर कोई भी म्यूज़िक आप प्ले कर रहे हैं, म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके फादर आ गए उसी सिस्टम पे, अगर कोई ऑफिस का वर्क है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, उसको भी वर्क को कर सकते हैं। यानी इसी फीचर को हम लोग कंप्यूटर के क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल बोलते हैं, वर्सेटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। ए कंप्यूटर इज ए मशीन, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, जो मशीन की भाषा भी होती है, किसमें किसी भी तरह का कोई मशीन है तो जो थकेगा भी नहीं, ना रुकेगा, क्योंकि मशीन है, मशीन के, तो इसी वजह से ये कभी भी थकता नहीं है, ना ही किसी तरह का बर्डन भी महसूस करता है। कोई भी टास्क दे दीजिए आप बिना थके हुए कंटिन्यू ये चलते रहता है, क्योंकि आप लोग देखिएगा बहुत सारे जो सुपर कंप्यूटर लगे रहते हैं, तो सुपर कंप्यूटर लगे रहते हैं बिना ऑफ किए हुए, कई ईयर से वो ऑन ही हैं और हमेशा ऑन ही रहते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, काम करने के बाद वो थक जाता है, टायर्ड महसूस करने लगता है, बर्डन महसूस करने लगता है। कंप्यूटर के पास ये मशीन एक एबिलिटी है जो परफॉर्म करता है एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन विदाउट एनी लॉसिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्यूरेसी। लेकिन अगर ह्यूमन को अगर प्रोड्यूस ये सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेगा, हो सकता है अगले रिजल्ट में वो क्या करे, अपना कॉन्सेंट्रेशन खो दे और रिजल्ट में एरर प्राप्त हो। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर में 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट हमें हर एक बार प्राप्त होता है, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी 100% होता है। इसी फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट में अब कंप्यूटर के हम लोगों ने एडवांटेज देखा, फीचर देखा, अब वैसे भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन यानी कंप्यूटर का डिमेरिट, कंप्यूटर क्या नहीं करता, कंप्यूटर कहाँ फेल हो जाता है, उस फीचर को हम लोग देखेंगे। जीरो आईक्यू, नो आईक्यू, कंप्यूटर के पास क्या होता है, जीरो आईक्यू होता है। कंप्यूटर के पास क्या होता है, जीरो आईक्यू होता है, इसके पास अपना खुद का आईक्यू नहीं होता है। ए कंप्यूटर इज ए मशीन, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है, मशीन होता है, जिसकी मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज़ करता है, जो जीरो एंड वन को ही समझता है, जीरो एंड वन के अलावा कुछ भी नहीं समझता है।
जैसे हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, बाइनरी लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, दैट डू नॉट हैव सेल्फ इंटेलिजेंस, इसके पास सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं होता है। इट नीड इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी स्टेप, हर एक स्टेप में यूज़र का क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को वेट करता है, यानी ज़रूरत पड़ती है इंस्ट्रक्शन का। अगर कहीं भी अगर इसको प्रॉब्लम हो तो यूज़र के इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, वेट करेगा। नेक्स्ट में इसका डिमेरिट है, नो पावर टू मेक डिसीजन, इसके पास अपना खुद का पावर नहीं होता है कि अपने आप सेल्फ डिसीजन ले सके। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सेल्फ डिसीजन लेकर उस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर सके या अल्टरनेट एक्शन को फाइंड कर सके। कंप्यूटर है अनेबल टू टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर अनेबल होता है टेक डिसीजन अपने आप लेने में ऑन इट्स ओन। इन केस ऑफ एनी एरर, अगर किसी तरह से अगर में कोई भी एरर आ जाता है, इट कैन नॉट टेक अल्टरनेट एक्शन। अगर इसके पास किसी तरह से कोई एरर आ गया तो इसके पास कोई दूसरा अल्टरनेट रास्ता नहीं रहता है, जैसे मनुष्य के पास रहता है। अगर एक रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो अल्टरनेट रास्ता हम लोग क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये सारा इसके पास कंप्यूटर के पास नहीं रहता है, कि कंप्यूटर एक मशीन है, ये ह्यूमन लाइक बिहेव नहीं करता है। नो फीलिंग, इसके पास जैसा मनुष्य के पास फीलिंग होता है वैसा कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं होता है। कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स एंड नो इमोशन, कंप्यूटर के पास ना ही फीलिंग होता है ना ही इमोशन होता है। इट नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन द फीलिंग टेस्ट एक्सपीरियंस नॉलेज लाइक द ह्यूमन बींग्स, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स अपना जजमेंट हर एक समय नियम कानून पे ही उसका जजमेंट डिपेंड नहीं करता है, हो सकता है वो अपनी जजमेंट का बेस फीलिंग पे रखता हो, टेस्ट पे रखता हो, एक्सपीरियंस पे रखता हो, नॉलेज पे रखता हो, लेकिन कंप्यूटर हमेशा क्या होता है, हमेशा रूल पे रहता है। जो भी यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया, प्रोग्राम दिया गया, उस प्रोग्राम के अनुसार ही एक्सिक्यूट होगा, अदर दूसरा प्रोग्राम उसमें एक्सिक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अल्टरनेट कोई एक्शन नहीं होता है, कोई फीलिंग नाम का कोई एक्शन नहीं होता है। कि जैसे कि अगर कोई यूज़र पे टास्क अगर परफॉर्म करना है और उस टास्क यूज़र को समझ कर उसके फीलिंग के अनुसार से अपने टास्क को क्या करे, चेंज कर पाए, तो इस ये फैसिलिटी कंप्यूटर के पास नहीं होती। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं नो फीलिंग्स, ये कंप्यूटर का क्या होता है, डिमेरिट होता है, जहाँ पर कंप्यूटर ये जाकर फेल हो जाता है। नो ह्यूरिस्टिक्स, कंप्यूटर आर नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस, कंप्यूटर के पास ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं होता है, एबल नहीं होता है कि जो अपने पास्ट में कोई गलतियाँ किया हो उसके थ्रू वो क्या करे, लर्न कर सके और फ्यूचर में वो गलती ना करे। जैसे मनुष्य में होता है, अगर पास्ट में कोई गलती किए हैं तो उस गलती से हम लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं और आगे गलती नहीं करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। डिपेंडेंसी ऑन द पावर, सबसे बड़ा डिमेरिट कंप्यूटर का है क्या होता है, ये पावर पे डिपेंड करता है। अगर पावर एक बार आप लोगों ने कट किया तो सिस्टम क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। अगर आपका यूपीएस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है या यूपीएस आपका चार्ज नहीं है तो सिस्टम क्या होगा, शट डाउन हो जाता है। इट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी या एनी अदर सोर्स ऑफ पावर, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है या जो भी कोई अदर्स पावर का सोर्स है उसी पे डिपेंड करेगा। विदाउट पावर ये कोई भी कार्य नहीं करता है, कार्य को करने के लिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। डिपेंडेंस ऑन यूज़र, अगला इसका डिमेरिट है, हर एक कार्य को करने के लिए यानी इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करने के लिए ये क्या करेगा, ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा। बिना ऑपरेटर के कंप्यूटर एक मशीन है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कंप्यूटर एक मशीन है और सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी ऑपरेटर को यूज़र की ज़रूरत पड़ती है। इट फंक्शन एज पर यूज़र्स इंस्ट्रक्शन, ये फंक्शन यूज़र के इंस्ट्रक्शन के बेस पे करेगा।
जो भी यूज़र क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, उसी के अनुसार से वो क्या करेगा, उसको एक्सिक्यूट कराएगा। सो इट इज़ अ फुल्ली डिपेंड ऑन द ह्यूमन बींग्स। इस वजह से क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, इस वजह से ह्यूमन बींग पे डिपेंड है। यानी इसको कंट्रोल करने के लिए कोई कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, यानी ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, कंप्यूटर को ऑपरेट करे, उसको एक्सिक्यूट करने के लिए, उसको फंक्शन देने के लिए प्रोग्राम दे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। सो ये रहा एंड मेरे वीडियो का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको कुछ सीखने जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।